आज हमें यही कहीं तंबू गाड़ना होगा। कल सुबह सूर्योदय होने पर फिर से यात्रा शुरू करेंगे, ठीक है? वाले बचा ले, बचा ले। जा 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 यहाँ से, जा जा जा। क्या हुआ दोस्त, ऐसे आश्चर्य होकर क्या देख रहे हो? मतलब एक सांप थोड़ी देर पहले था, लेकिन अभी मतलब तुम इंसानी भाषा बोलना जानती हो? आता तो है। बहुत आश्चर्य की बात है। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, नहीं तो वो दुष्ट सांप अब तक मुझे खाकर हजम कर चुका होता। इसका मतलब सच में सांप यहाँ आया था, लेकिन अचानक वो कहाँ अदृश्य हो गया? ये रूप कथा का देश है व्यापारी भाई, यहाँ पर सब कुछ संभव है। और तुमने मेरी जान बचाई है, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें खाली हाथ भेजूंगी। ये सब मेरा है? जी व्यापारी भाई, ये सब तुम्हारा है। ये है जादुई अंडे। इस रूप कथा के राज्य में कोई संकट आए तो ये जादुई अंडे उस संकट से बाहर निकालने में तुम्हें मदद करेंगे। पानी, थोड़ा सा पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण यही निकल जाएंगे। थोड़ा सा पानी। हम पानी पिलाने नहीं आए हैं, हम डकैती करने आए हैं। नहीं तो तुझे उठा ले जाऊंगा और जिंदगी भर तुझे अपना दास बना कर रखूंगा। बोल बोल बोल, क्या करना चाहता है तू? मेरे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास। ठीक है तो फिर चल हमारे साथ, अब तू हमारे लिए काम करेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं जाऊंगा, नहीं 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 आऊंगा। इस रूप कथा के राज्य में कोई संकट आए तो ये जादुई अंडे उस संकट से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये क्या? बचाओ, 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 बचाओ,
ये तो हीरा है। ये कोई रूप कथा या कोई सपना नहीं ना? इतने सारे हीरे मैंने कभी पहले नहीं देखे, लेकिन गड्ढे में से बाहर कैसे निकलूं? ये दीवार तो चिकनी है, ऊपर जाने का कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बाहर नहीं निकल सकता। सर्वनाश, तूने मेरा खाना छीनकर बहुत बड़ा पाप किया है। अगर तू नहीं होता तो मैं उस पक्षी को खाकर अपना पेट भर सकता था और उसके साथ ही मेरी जादुई शक्ति भी बहुत बहुत बढ़ जाती। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। आजा, आजा। तूने क्या किया? निकाल, निकाल मुझे यहाँ से, मुझे इसके अंदर से निकाल, निकाल। हाँ कर सकता हूँ, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालोगे और मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाओगे। अगर इस शर्त पर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? राजी नहीं होकर तो कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा। चलो चलो, अब तुम मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालोगे अपनी शर्त के अनुसार। मुझे जोर से पकड़ो, मेरी पूंछ को अच्छे से जोर से पकड़ो।